वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त केतन। और आज आपको दिखाने वाले हैं ये स्पार्क और अल्टो। ठीक है, दोनों छोटी गाड़ियां है और दोनों में फीचर क्या है, फंक्शन क्या है और कितना स्पेस है दोनों में। और अल्टो और ये स्पार्क दोनों ही अपने सेगमेंट में छोटी कार हैं और यही दोनों आगे चलती थी पहले 2009 की। दोनों 2009 है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि किसमें कितना स्पेस है और कैसी फैसिलिटी है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। चलो, ये स्पार्क है। स्पार्क मेरे चैनल में आपने पहले भी देखी होगी। ठीक है, तो उसमें भी मैं बता चुका हूँ क्या क्या है, तो भी फिर से बता देता हूँ। ये हो गया साइड मिरर और ये 13 इंच टायर है। और अल्टो में बात की जाए तो अल्टो में 12 इंच आता है, ये रहा 12 इंच टायर है। ठीक है, और उसमें 13 इंच है, तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में थोड़ा फ़र्क रहेगा क्योंकि ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ऊंचा रहेगा। ठीक है, और उसमें इस तरह की हेडलाइट आती है और उसमें देखिएगा कुछ इस तरह की हेडलाइट आती है। ठीक है, पहले आप स्पार्क दिखा देते हैं आपको, फिर उसमें कंपेयर करेंगे। ये हो गया ग्लास, उसमें ग्लास कुछ इस तरीके का आता है और उसमें यहाँ एडजस्टेबल होता है। ठीक है, ये रहा एडजस्टेबल। और इंटीरियर की बात करें तो कुछ इंटीरियर यहाँ का स्पार्क का ऐसा रहता है। ठीक है, ये सेंड हो गए, ये म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये एसी का पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, और अंदर की बात करें तो सीटें इस तरह की रहती है और स्पेस देखिए आगे लेगरूम स्पेस इतना रहता है। ठीक है, और पीछे भी आपको दिखा देते हैं। पीछे इतना स्पेस रहता है। ठीक है, और उसमें ये रहता है और उसमें नहीं है। अपने अल्टो में लगाना हो तो अलग से लगाना पड़ता है ये, लेकिन ये कंपनी साथ में दे दी थी। ठीक है, और ये स्पॉइलर है, ये भी कंपनी दे दी थी लेकिन उसमें नहीं दे दी थी। ठीक है, पीछे देखो तो पीछे दोनों गाड़ियाँ सेम साइज़ तो सेम है लेकिन उसकी हाइट देखो, हाइट में ये स्पार्क में थोड़ी हाइट ज़्यादा दिखेगी क्योंकि उसमें 13 इंच टायर है और उसमें 12 इंच टायर है। ठीक है, और पीछे टेल लाइट कुछ ऐसी है और उसमें टेल लाइट ये ऐसी रहती है। ये अल्टो एलेक्स वेरिएंट है और ये स्पार्क एलटी वेरिएंट है। ठीक है, और ग्राउंड क्लियरेंस देखो इसका इतना है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो तो उसका थोड़ा नीचे है। ठीक है, और अल्टो की बात की जाए तो अल्टो में आपको दिखा देते हैं पीछे का लुक है। यहाँ पे उसमें स्पेस ये इतना रहता है और उसमें सीटिंग कैपेसिटी भी दो के लिए है, लेकिन छोटा बच्चा हो तो आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, और उसमें आगे से दिखाते थे आपको अल्टो में, उसमें स्टीयरिंग ये वाला रहता है, उसमें अपने गोल था और ये स्पीडमीटर हो गया और ये एसी कंट्रोल हो गया और वो वहाँ पे बॉक्स है। ठीक है, और ये सादा ग्लास है, उसमें यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है, स्पार्क में यहाँ पे एडजस्टेबल आता है, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, कंपनियाँ दोनों ही वो टाइम पे दोनों ये अल्टो और स्पार्क दोनों आमने सामने चल रही थी, लेकिन जो मारुति है तो मारुति नाम से बिकती है और स्पार्क ज़्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन फैसिलिटी के हिसाब से देखे जाओ तो फीचर फंक्शन स्पार्क में मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। ठीक है, आपको और यहाँ देखो मैनुअल ये हैंडल है और उसमें भी मैनुअल ही था लेकिन मैंने अलग से पावर विंडो करवा के रखा है।
अब उसकी बात की जाए तो ये खोलने वाला हैंडल कुछ इस तरीके का रहता है। ये हो गया कांच का सेटिंग, ये हो गया यहाँ रखने का, और ये यहाँ इतना स्पेस मिलता है, और उसमें देखो तो इतना ही स्पेस मिलता है। और ये हो गया डैशबोर्ड, और उसमें देखो तो अल्टो में स्पीडोमीटर बाजू में आगे दिया गया है, और इसमें ये आगे दिया गया है, ठीक है। और कांच की बात करें तो यहाँ एडजस्टेबल है, उसमें एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। और ये देखी रही आपकी, और यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। अल्टो में बात करो तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, और ये कप होल्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। मैंने ये अलग से पावर विंडो करा के रखा है। उसमें बात करें तो ये डेकी है, उसके नीचे जगह नहीं है, ये खाली यही एक जगह है, यहाँ पे थोड़ा दिया गया है, ठीक है। और कप होल्डर उसमें भी है। पीछे की बात करें तो पीछे भी यहाँ खोलने वाला ऐसा है, और ये यहाँ से उसको पकड़ के बंद कर सकते हैं, और उसमें भी सेम है, लेकिन ये छोटा है, और खोलने का सिस्टम ये ऐसा दिया गया है, ठीक है। पीछे से दोनों गाड़ियाँ देखो, आप लुक देखिएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी गाड़ी तुम्हें बेटर लगती है, और आपके घर पे कौन सी गाड़ी है, ठीक है। ये रही अल्टो, और अल्टो नाम से बिकती थी पहले, और सुजुकी का जो मारुति का ब्रांड है, तो ज़्यादातर लोग मारुति पसंद करते हैं, और उसमें मेंटेनेंस बहुत कम आता है। लेकिन मैं ये स्पार्क यूज़ करता हूँ, तो आगे से आप देखिएगा कि लुक किसका अच्छा आ रहा है, ठीक है। मुझे लुक वाइज में स्पार्क पसंद है, और ये भी 2009 मॉडल है, और ये भी 2009 मॉडल है, ठीक है। लेकिन मैं आज तक उसको कंप्लीट सजा के रखा हूँ, और ये भी प्योर पेट्रोल है अल्टो, ये भी अच्छी कंडीशन में आज, ठीक है। और आगे से लुक कुछ ऐसा आता है दोनों का, ठीक है। उसमें फॉग लैंप मैंने ये वाले लगा के रखे हैं, और अल्टो में यहाँ आता है, लेकिन उसमें लगा हुआ नहीं है, ये उसमें चौरस वाला लगता है। और ये अपने ऊपर एंटीना है, और उसमें एंटीना यहाँ साइड में लगता है, ये रहा यहाँ एंटीना। और साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर इसमें कुछ ऐसा आता है, और उसमें ये सिंपल सा दिखने वाला, पहले जो मारुति पहले से ही देती आ रही है, जो 800 की बात करें पंटी की, उसमें भी ऐसा था, और उसमें भी सेम अल्टो में भी यही लगा हुआ है, और स्पार्क में कुछ अलग से दिया गया है, ठीक है। तो ये था स्पार्क और अल्टो में छोटी छोटी बातें आपको बताने का एक आइडिया मैंने दिया। आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।